हाय गाइस, माय सेल्फ एसके सिंह और आज हम लोग क्लास 12 के लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे। उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इस चैप्टर का जो थर्ड पार्ट है ये, ठीक है ना। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डाइपोल था, किसे पुट अप कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है ना। और हमें इसमें फाइंड करना है फोर्स एंड टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमें क्या फाइंड करना है? फोर्स फाइंड करना। क्या फाइंड करना है? फोर्स या टॉर्क, लिख दो टॉर्क, टॉर्क इन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या फाइंड करना है? टॉर्क फाइंड करना। क्या फाइंड करना बच्चा? टॉर्क। हिंदी में बोलते हैं बलागुड़ फाइंड करना। क्या फाइंड करना? बलागुड़, ठीक है ना। क्या फाइंड करना है? बल आघूर्ण डाइपोल के कारण। किसके कारण? डाइपोल के कारण हमें फाइंड करना है टॉर्क। इलेक्ट्रिक टॉर्क ड्यू टू डाइपोल। क्या फाइंड करना? इलेक्ट्रिक टॉर्क ड्यू टू डाइपोल। लड़के इधर देखो, देखिएगा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। ये किसको शो कर रहा? इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे? इलेक्ट्रिक लाइन्स पास हो रहे हैं। क्या पास हो रही है? इलेक्ट्रिक लाइन्स पास हो रही है। ऐसे पास हो रही हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स। क्या पास हो रही है बच्चा? इलेक्ट्रिक लाइन्स। एक डाइपोल लिया और ऐसे इस पे रख दिया। ये आपने रखा एक डाइपोल। क्या रखा? डाइपोल। डाइपोल क्या? जिसमें होते दो पोल उसे बोलते हैं डाइपोल। एक साइड लिया माइनस क्यू चार्ज और एक साइड लिया प्लस क्यू चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये चाहती है, मींस इलेक्ट्रिक फोर्स, कि इसके पैरेलल हो जाए। जो डाइपोल रखा है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये इसके पैरेलल चाहते कि मींस ये ऐसे हो जाए, ठीक है ना। तो ये एक फोर्स इधर की ओर लगेगा फोर्स और एक फोर्स इस साइड लगेगा फोर्स, तब तो ये ऐसे होगा, ठीक है ना। डाइपोल की डिस्टेंस कितनी सपोज करते हैं? 2L। कितना बच्चा? 2L। ये लिया 2L यूनिट, हम लोग पढ़ चुके इसको। एंगल दिस इज द थीटा। कितना एंगल है? थीटा। जब ये एंगल थीटा है, यदि इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, क्या डाल दिया जाए? परपेंडिकुलर। तो यहां कितने डिग्री बन रहा है बच्चा? 90 डिग्री। और 90 का अपोजिट क्या होता है? हाइपोटेनियस। क्या होता है? कर्ण। इन्हें क्या कहते हैं? और थीटा का अपोजिट क्या होता है? साइन। यदि हमें ये लेंथ फाइंड करनी हो, ये ए सपोज कर लो, बी सपोज कर लो, ये ओ सपोज कर लो, कि ओ बी लेंथ कितनी होगी? ओ बी लेंथ फाइंड करनी हो तो बच्चा ध्यान दीजिए इधर, ओ बी लेंथ फाइंड करनी तो साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर कितना है बोलो? ओबी कितना है? ओबी। हाइपोटेनियस कितना है? 2L। तो ओबी इक्वल बच्चा कितना आएगा? ओबी इक्वल 2L साइन थीटा। क्या आएगा? 2L साइन थीटा। ओबी क्या आएगा? 2L साइन थीटा। क्या आएगा बच्चा? 2L साइन थीटा। बात समझ में? ओबी क्या होगा? 2L साइन थीटा। अब टार्क होता क्या है? ये बेसिक डिफिनेशन हमें याद होनी चाहिए कि टार्क क्या है। 11th में पढ़ाया गया टार्क क्या है, 9th में पढ़ाया गया टार्क क्या है, 10th में नहीं पढ़ाया गया टार्क क्या है, ठीक है ना। 9th में पढ़ाया गया टार्क क्या है। टार्क क्या होता है? फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टार्क इक्वल क्या होता है? टार्क इक्वल होता है, और इसे टार्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? टाउ। टार्क को इंजन क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण। क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण। क्या बोलेंगे? बल आघूर्ण। और टार्क इक्वल होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हिंदी में क्या कहेंगे? बल गुणे लंबवत दूरी। क्या कहेंगे? बल गुणे लंबवत। क्या बोलेंगे बच्चा? बल गुणे लंबवत। बोलो इसमें कोई डाउट? जब इसमें डाउट नहीं है
तो टार्क टाउ इक्वल फोर्स एफ लिया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 12 साइन थीटा, क्या है 12 साइन थीटा। बच्चा आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर इक्वल क्या होता है फोर्स अपॉन चार्ज, क्या होता है फोर्स अपॉन चार्ज, पढ़ा कि पढ़ाइए इक्वल टू एफ बाई को, क्या इक्वल एफ बाई एफ इक्वल बच्चा कितना आएगा ई क्यू, कितना आएगा ई इंटू क्यू, तो टाउ इक्वल आएगा ई इंटू क्यू इंटू 2L साइन थीटा। 2QL क्या होता है बच्चा, व्हाट इज 2QL बोलो, 2QL सर P क्या होता है P, 2QL क्या होता है P इंटू साइन थीटा, टाक टाक क्या आएगा P इंटू टाउ इक्वल टू EP साइन थीटा, क्या आएगा EP साइन थीटा, क्या कहलाएगा EP साइन थीटा, यही हमारा टार्क होता है, क्या होता है टार्क, इसे क्या वो क्या बोलते हैं बला। बस मैं इतना सिंपल था, यदि लैंग्वेज लिखना हो तो लैंग्वेज क्या लिखते हो बच्चा, लेट अस कंसीडर अ डाइपोल ए बी प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट थीटा एंगल देन इट डिस्प्लेस फ्रॉम ए टू B इक्वल ए टू ओ, डिस्प्लेस कैसा होना चाहता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है इतनी छोटी सी बात थी। ये हम लोग क्या फाइंड किए वर्क फाइंड किए, क्या फाइंड किए बच्चा वर्क फाइंड किए, इतना लिखने के बाद में हम लोग लिख सकते हैं टेकिंग टार्क टाउ, टाउ किसे रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, जब बल आवृत्ति किसे रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, डेफिनेशन लिखेंगे द मल्टीपल ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर लिखा हुआ है मतलब लंबवत 90 डिग्री, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टाउ इक्वल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले फाइंड कर लिया, वैल्यू पुट अप कर दी, सॉल्व हो गया, हिंदी में लिखना होता तो क्या लिखते हैं बल और लंबवत दूरी का गुणनफल, क्या कहलाता है बल और गुण कहलाता है, क्या कहलाता है बल और गुण कहलाता है। बिनो दैट हम जानते हैं कि इज इक्वल टू एफ वन क्यू होता है, तो एफ की जगह वैल्यू रख दी इनटू क्यू, इज इक्वल टू एफ वन क्यू तो एफ इज इक्वल टू ई क्यू, ठीक है बस समझ में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। हम लोगों ने भी टार्क फाइंड किया, टार्क में क्या किया था डाइपोल था, डाइपोल था तो उसकी डिस्टेंस कितनी थी बच्चा 2L, और इधर आपने F1 फोर्स पुटअप किया, इधर F2 फोर्स पुटअप किया, ये चार्ज माइनस क्यू है और एक चार्ज क्या है प्लस क्यू, जो कि डाइपोल की कंडीशन है, ठीक है ना। आपने जब डाइपोल फाइंड किया थीटा एंगल से तो आपकी डिस्टेंस कितनी सपोज की 2L साइन थीटा, कितनी सपोज करी 2L साइन थीटा। अब इसको रोटेट कराना है तो आपने टार्क फाइंड किया टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, पी क्या है डाइपोल मोमेंटम, द्विध्रुव आघूर्ण, क्या है बलागुण नहीं द्विध्रुव आघूर्ण, पी है क्या है पी। अब इसको रोटेट कराएंगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, कोई वर्क फाइंड करना, क्या फाइंड करना बच्चा वर्क, जब रोटेट कराएंगे क्या फाइंड करना पड़ेगा वर्क, तो बच्चा वर्क फाइंड करना। अब वर्क फाइंड करने के लिए आपको पता है कि जो हमारा वर्क होगा टाउ डी थीटा, क्या होगा टाउ डी थीटा, डी थीटा क्या है डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन का साइन यूज कर देंगे और इधर डब्लू बनाना दीजिएगा। अब जब चेंज करेंगे इधर से भी एंगल चेंज होगा और इधर से भी चेंज होगा, लोअर लिमिट थीटा 1 अपर लिमिट
थीटा। आपको पता है अभी फाइंड किया था कि जो टार का है वो क्या है, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये डी थीटा टाउ का वैल्यू टाउ। हमें डीएक्स लिखा होता है तो एस का डिफरेंशिएशन होता है, वाई लिखा होता है तो वाई का डिफरेंशिएशन करते हैं, डी टी लिखा होता है तो टी का डिफरेंशिएशन करते हैं, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों इसी का होगा। यदि थीटा लिखा है तो केवल साइन थीटा का होगा, पी क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या करेंगे बाहर, पी बाहर निकाल, क्या बचा थीटा टू थीटा पर, और क्या साइन थीटा डी थीटा। याद रखना पड़ेगा आपको कि साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, हाँ साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन प्लस साइन थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। तो बच्चा डब्ल्यू इक्वल पी ई, अब यहां लिखा साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा, काय का माइनस, अपर लिमिट थीटा टू, लोअर लिमिट थीटा, माइनस को बाहर निकाला, माइनस बाहर निकाला, डब्ल्यू इक्वल माइनस पी ई और कॉस थीटा, अपर लिमिट थीटा टू और लोअर लिमिट थीटा वन, लिमिट अप्लाई करते हैं कहां अप्लाई करेंगे थीटा की जगह, क्या अप्लाई करेंगे थीटा की जगह, तो डब्ल्यू इक्वल आएगा माइनस पी ई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा, तो डब्ल्यू इक्वल माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा दो क्या आएगा प्लस कास थीटा वन और माइनस कास थीटा थीटा, ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाला प्लस का आ जाएगा प्लस वाला माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा तुमने बाद में लिख दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो पहले लिख लिया, कोई प्रॉब्लम। तो ये हमारा प्रूफ हुआ। अब इसमें कंडीशन भी है बच्चा, कंडीशन क्या है, यदि इसको जीरो डिग्री से मूव कराए, थीटा वन की वैल्यू कितनी हो जीरो डिग्री जीरो, तो बच्चा कंडीशन क्या है इसकी, कंडीशन हम यहां करवा दे रहे हैं, इसकी कंडीशन ये है, करना तो है नहीं, इसको आगे बढ़ा देते हैं ठीक है ना, सर नहीं करता बच्चा, ये सब रिवीजन चल रहा, ये आप लोग अपने घर पे बैठ करिए ठीक है ना, आपका लिखा हुआ जिसका लिखा नहीं है, ये सब नहीं लिखा था, हाँ सब वाली का भी नहीं लिखा, तो ये कर लीजिए नोट करिए बच्चा, नोट कर लो थीटा वन इक्वल जीरो डिग्री, कंडीशन फर्स्ट है इफ थीटा वन इक्वल जीरो डिग्री, तो क्या आएगा डब्ल्यू इक्वल पी ई कॉस जीरो डिग्री माइनस कॉस थीटा, तो डब्ल्यू इक्वल पी ई वन माइनस कॉस थीटा, ये हमारा वर्क आएगा। इफ सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ थीटा वन इक्वल जीरो डिग्री और थीटा टू इक्वल 180 डिग्री, कितने डिग्री बच्चा, मीन्स जीरो से और डाइपोल को 180 डिग्री मूव कराते, जहां थे वही घुमा के फिर करते, तो 180 डिग्री हो जाएगा, और जब 180 डिग्री होगा तो तब वर्क कितना करना पड़ेगा, पीई कास जीरो डिग्री माइनस कास 180 डिग्री, और कास 180 वैल्यू सबको पता है कितनी होती है बच्चा, माइनस वन माइनस माइनस प्लस प्लस वन, तो डब्ल्यू इक्वल क्या आएगा टू पी ई, ये हमारा रिजल्ट आया। तो बच्चा आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ।
तक के लिए एस के सिंह का जय हिंद।